हेलो गाइस, मैं हूं गोपाल। और भाई साहब, आप लोग तो फ़ोन का इस्तेमाल जरूर से करते होंगे और दोस्तों आपके मोबाइल में सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जरूर से होगा। दोस्तों हमारे भी फ़ोन में होता है, जिसमें दोस्तों हम कॉलिंग के लिए दोस्तों जिसमें नंबर सेव करते हैं, सिम से हम दोस्तों कॉल कर पाते हैं। और एसडी कार्ड में दोस्तों हम कोई भी मूवी या कोई भी सॉन्ग हो गया दोस्तों उसमें डाल करके दोस्तों लंबे समय के लिए हम उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई भी फोटो उसमें दोस्तों सेव कर सकते हैं। जो दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर दोस्तों कि आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एसडी कार्ड है दोस्तों, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक है दोस्तों सिम कार्ड, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है सिम कार्ड। तो दोस्तों आज के इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में हम दोस्तों इस एसडी कार्ड को और सिम कार्ड को दोस्तों यहाँ पर हम इसे जलाने वाले हैं। और दोस्तों इसके अंदर का हम देखेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, किस तरीके से अंदर इसका रिपेयरिंग होता है, किस जो दोस्तों इसमें देख सकते हैं कि जो ये दोस्तों 4 GB का ये मेमोरी है दोस्तों, तो इसमें मतलब कि कैसे इसमें मूवी आ जाता है और सब ये जो फिल्म होता है दोस्तों, फोटो हो जाता है, तो किस तरीके से इसमें दोस्तों सेव रहता है, सब यही हम दोस्तों आज जानेंगे। ये तो दोस्तों हम पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों हम पता ये करेंगे कि इसके अंदर मतलब किस तरीके से डिजाइन अंदर किया रहता है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम के फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों कि अगर हम सिम को और चिप को दोस्तों ये जो मेमोरी कार्ड एसडी कार्ड आता है इसे अगर हम जलाते हैं तो इसके अंदर का दोस्तों स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। तो दोस्तों वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दें और इसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको ये जला करके दिखाएंगे कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक चिमटा है और यहां पर दोस्तों हमारे पास दो यहां पर सिम कार्ड है और एक मेमोरी कार्ड है और यहां पर दोस्तों एक हमारे पास माचिस है और नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास एक गैस सिलेंडर है जिसमें दोस्तों हम जलाएंगे इस गैस सिलेंडर को और दोस्तों इसमें हम इसे जला करके देखेंगे कि किस तरीके से इसका अंदर का स्ट्रक्चर है, किस तरीके से दोस्तों रिपेयर किया जाता है, सब आपको दिखाने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इसमें आग लगाते हैं। पहले गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हम दोस्तों इसे ओपन कर दिया यहाँ पर दोस्तों और चलिए हम इसे दोस्तों जलाते हैं और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि आग इसमें लग गया है। और चलिए दोस्तों हम इसे इस मेमोरी को यहाँ पर इस चमचे से दोस्तों पकड़ लेते हैं और यहाँ पर दोस्तों चलिए हम इसे और थोड़ा फास्ट कर देते हैं थोड़ा ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक मिनट गाइस आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर मेमोरी कार्ड दोस्तों यहां पर जल रहा है, आप यहां देख सकते हैं। तो गाइस इससे क्या था कि ये दोस्तों गर्म हो रहा था, इसलिए दोस्तों हमने इस पक्कर से इसे पकड़ लिया। अभी चलिए दोस्तों हम इसे फिर से आग यहां पर लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से दोस्तों जलेगा जब तो इसका। अभी दोस्तों देख सकते हैं आप ये पूरा लाल हो रहा है अभी। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं कि दोस्तों ये पूरी तरीके से लाल हो रहा है दोस्तों, अभी ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये निकल गया इसका स्ट्रक्चर ऊपर का जो ये है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप। और एक मिनट दोस्तों हम इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं अभी। और दोस्तों हम इस तरीके से इसे पकड़ करके फिर से इसे जलाएंगे, हीट करेंगे अभी और इसमें से दोस्तों पता चलेगा ये जल करके ये भी खाक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये जल रहा है, आप देख सकते हैं इसका प्लास्टिक जो है। तो गाइस आप यहां देख सकते हैं दोस्तों कि ये पूरी तरीके से जल गया, अभी थोड़ा सा इधर बाकी है दोस्तों, बस अभी देखते हैं हो जाएगा तुरंत। तो गाइस ये पूरी तरीके से जल चुका है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं इसे। और दोस्तों चलिए हम इसे नीचे रख देते हैं अभी यहां पर और चलिए दोस्तों हम यहां पर सिम लेते हैं अभी, एक सिम कार्ड। और यहां पर दोस्तों चलिए हम सिम कार्ड को देखते हैं कि किस तरीके से दोस्तों ये अंदर का इसका स्ट्रक्चर होता है, अभी दोस्तों हम इसे तोड़ करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सिम कार्ड यहाँ पर जल रहा है बुरी तरीके से। और दोस्तों मैंने सुना कि इसमें सिम कार्ड में दोस्तों थोड़ा गोल्ड भी होता है, मुझे तो पता नहीं दोस्तों एक्चुअली, लेकिन मैंने सुना दोस्तों, अभी देखेंगे इसमें गोल्ड निकलता है या नहीं निकलता है। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं जल रहा है अभी, चलिए दोस्तों हम इसे चेंज कर लेते हैं कुछ। यहाँ देख सकते हो दोस्तों अभी आप, तो गाइस यहाँ पर एक मिनट मैं इसे चेंज कर दूँ थोड़ा। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से दोस्तों जल चुका है, चलिए हम इधर बंद कर लेते हैं इसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने इसे यहाँ पर देखा दोस्तों, बट ये क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जल चुका है पूरी तरीके से। ये सिम का स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये दोस्तों है यहाँ पर देख सकते हैं ये एसडी कार्ड। सो गाइस एसडी कार्ड तो पूरा फिलहाल अंदर तो कुछ दिख नहीं रहा, ये बस जो बाहर से दोस्तों ये दिखता है ये लोहे का, ये आप देख सकते हैं यही है। और अंदर दोस्तों कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है, बट भी देखते हैं क्या क्या नहीं है।
यहाँ पर दोस्तों कुछ पर्दा टाइप का ये है अंदर, देख सकते यहाँ पर दोस्तों, ये देख सकते हैं पर्दा टाइप का है दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों अंदर कोई भी दोस्तों यहाँ पर लोहा या फिर कोई वायरिंग नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों पूरा देख सकते हैं आप कि यहाँ पर दोस्तों ये जो हमारे यहाँ कपड़ा आता है दोस्तों, कपड़ा ही है बस, और कुछ नहीं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा दोस्तों यहाँ पर कपड़ा ही है। सो गाइस, मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि इसमें दोस्तों ये सब कपड़ा ही होगा, बट अभी देख सकते हैं आप दोस्तों, मैंने सामने आपके दिखा दिया जला करके इसे, कि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा ही है दोस्तों। अब ये कपड़ा है नहीं दोस्तों, ये हमें कपड़ा दिख रहा है, मतलब धागा दिख रहा है, बट इसके अंदर दोस्तों वायरिंग क्या होगा वो तो दोस्तों कंपनी जानता है कैसे क्या होता है। और यहाँ पर दोस्तों आप सिम कार्ड भी देख सकते हैं कि सिम में दोस्तों हमने इसे जलाया तो सब कुछ खाक हो गया, बट ये जो ऊपर का दोस्तों होता है जो हमारे सिम में दोस्तों लगता है, वैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मतलब यही है दोस्तों, ये जो लोहा ऊपर दिखाई देता है, और यहाँ पर दोस्तों सब कुछ जल चुका है। ये गोल्ड कलर का जो दोस्तों रहता है दिखाई देता है यहीं पर है दोस्तों, और सब जल के राख हो गया है। यहाँ पर दोस्तों ये कुछ कपड़ा टाइप का है, और यहाँ दोस्तों ये कपड़ा ये भी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्या रहता है देख सकते हैं आप, छोटा सा एक चिप लगा होता है, ये देख सकते हैं इसके नीचे ही है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से, और ये दोस्तों वायरिंग होता है, हमें दोस्तों ये दिखा देखने में कपड़ा लग रहा है दोस्तों। अगर हम सिम कार्ड को या मेमोरी कार्ड को जलाएंगे तो उसके अंदर दोस्तों कोई भी वायरिंग नहीं होता है। अब जो दोस्तों ये होता है सब देख सकते हैं आप, कपड़ा टाइप का रहता है उसी के अंदर सब होता है। और दोस्तों बात यह है कि मुझे तो दोस्तों इसमें गोल्ड मिला नहीं सिम कार्ड में, अब पता नहीं दोस्तों आता या नहीं आता, या फिर जल के राख हो गया वो कोई पता नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसी मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल एक नए एक्सपेरिमेंट में, नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।